से रितिका है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, रिसेप्शन कहाँ है? रिसेप्शन एरिया कहाँ है? जी मैम। रिसेप्शन एरिया कहाँ है? मैम इस तरफ आइए ना प्लीज। कितनी नॉइजी जगह है ये, डिस्गस्टिंग। बहुत पैसे वाली लगती है। वो दिन कब आएगा जब ऐसी पैसे वाली जन्नत की हूर मेरा पीछा करते हुए मेरे पास आएगी? ये इम्तिहान की घड़ी है दोस्तों। किस खूबसूरती से दोनों अपना अपना हुनर दिखा रही हैं। Excuse me. Yes, ma'am. How may I help you? I have a reservation in the name of Ritika. Just let me check. अफसोस, मंजरी इस मुकाबले को हार गई है। The best dancer of the year is Ritika. अफसोस, मंजरी इस मुकाबले में हार गई है। और इस साल की सर्वश्रेष्ठ नृतिका, द बेस्ट डांसर ऑफ द ईयर इज रितिका। अमोल जी मैम, मैडम का सामान रूम में ले जाओ। ये लो चाबी। इसे चुप करो वरना मैं। सॉरी मैम, आप प्लीज अपने रूम में जाइए, तब तक हम इसे चुप करा देंगे। आइए मैम। अगर बाहर इतने जेवर हैं तो बॉक्स में कितने होंगे? बस ऐसी किसी पैसे वाली को लूटने से इनकी दौलत कम नहीं होगी, बल्कि इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। और कितना दूर तक चलाओगे? रूम कहाँ पर है? बस आ गया मैडम। इसे तो अपने रूम तक जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। चेंज नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके मैम। छुट्टा नहीं है, मैं जल्दी लौटूंगा तेरे पैसों का छुट्टा निकालने, देख लेना।
इस बार ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी रितिका। होगी। हेलो मैम। जी जी मैम, कोई जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं उनको अभी इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर, तो प्लीज एक मिनट इधर आइए ना। यस सर, वो जो अभी अभी आई है ना। कौन? सर वही रूम नंबर 205 वाली। मैं नहीं जानता सर, उनका नाम रितिका मैडम है। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं सर, क्या प्रॉब्लम आ गई मुझे नहीं पता, पर कब से कह रही कि मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को भेजो। सो प्लीज आप उनके रूम में जाइए ना सर, पता करिए प्रॉब्लम क्या है। पर मैं तो असिस्टेंट मैनेजर हूँ ना। आई नो सर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम आल्सो। सर वैसे भी मंजरी मैडम की ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, और वैसे भी सर आप तो ऐसे डिफिकल्ट क्लाइंट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट हो ना। ठीक है, देखता। थैंक यू सो मच सर। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ अंतिका, मैं तो इस होटल में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। असिस्टेंट मैनेजर? और तुम? हाँ, वैसे ये जॉब तुम्हारे लायक ही, इससे बेटर जॉब तुम्हें मिल भी नहीं सकती। अंतिका प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सच में अपने जॉब में बहुत अच्छा हूँ। ओ प्लीज ये बकवास बंद करो और बताओ यहाँ किसे फंसा रहे हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में बदल गया हूँ, मैं वो पुराना सुझा नहीं रहा। ये नौटंकी किसी और के सामने करना, और मेरे पैसे का क्या हुआ? भूल गए? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे सारे पैसे मुझे लौटा दोगे। प्लीज रितिका, ये सब बातें भूल जाओ। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरे तुम सारे पैसे लेके चले गए, और अब कह रहे हो भूल जाओ। इस बार तो मैं होटल के मैनेजमेंट को सब कुछ सच सच बता के रहूंगी। रितिका नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। रितिका प्लीज ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कल सुबह तक मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, और अगर तुम नहीं लेकर आए तो जेल की हवा खाने के लिए रेडी रहना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। ये चलना बायोस्कोप देखते। पैसे नहीं है मेरे पास, है ना, चल। हो जाएगी।
इसके अंदर तो शत्रु की लाश है। अंकल इसके अंदर लाश है। मम्मी क्या हुआ? इसके अंदर लाश है। इसमें तो सच में लाश घसीटी जा रही है। चल महाराज, अभी तेरा निकलने का समय आ गया है, निकल ले वरना तेरी हालत खराब होने वाली है। कहीं नहीं। और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? नहीं घबराया नहीं हूं। तुझे पता है बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हंगामा? अरे बायोस्कोप के फिल्म में एक लाश दिखाई दे रही है, सीआईडी को बुलाया, आते ही होंगे। अरे मेरा चॉपर कहाँ है? रंजीत? हाँ। अरे मेरा चॉपर कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे इसी डिब्बे में तो रखा था, कल ही धार करा के मंगाया था, पता है? पता नहीं, वो रघु आया था डाइनिंग रूम से ले गया होगा। कमाल है यार, कोई भी कुछ भी कहीं भी ले जाता है। दरवाजा खुले जल्दी। हाँ एक मिनट आया। हाँ क्या है? जल्दी नीचे चलिए, डैडी की टीम आई और आपको बुलाया है। किसी ने खून होने की रिकॉर्डिंग की है और फिर बायोस्कोप के रिकॉर्डिंग के साथ जोड़ दिया उसे। और ये ऐसे किसी का काम हो सकता है जैसे कंप्यूटर्स और फिल्म की रील की अच्छी जानकारी। ये जो भी है जरूर खूनी को दुनिया के सामने लाना चाहता है। पर क्यों? सर हो सकता है वो खूनी से बदला लेना चाहता हो या फिर इस होटल को बदनाम करना चाहता था। इस बायोस्कोप की फिल्म को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो। सर। सुशांत, कल रात ड्यूटी पर तुम थे। जी सर। तो क्या तुमने देखा कल रात किसी को इस बायोस्कोप के साथ छेड़खानी करते हुए? नहीं सर, वैसे नॉर्मली बच्चे इस पर फिल्म देख के मजा लेते हैं और हमारा बेलबॉय अमोल इसे ऑपरेट करता है, उसे फिल्मों का बहुत शौक है सर। कहाँ है अमोल? यहीं कहीं हुआ सर। फोन करो इस अमूल को, तेरा नंबर देना। सर? हाँ चलो सब लोग। एक बार जूम कर लूं। जरा ब्राइट करना। ओह माय गॉड सर, ये तो रितिका मैडम है। कल रात ही इन्होंने चेक इन किया था। और आप कितने बजे चेक इन किया था? सर करीब रात के 9 बजे। तो क्या चेक इन करने के बाद वो किसी से मिलने गई थी? सर अब हम क्या बताएं, लोग चेक इन के बाद में क्या क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेना देना नहीं कहते,
किसी ने खून की रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे होटल के बाहर स्कोप के फिल्म के अंदर जोड़ दी है, और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं? क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर खून हुआ है और खूनी यहीं पर चुप कर बैठा है, समझे? देखो जरा ध्यान से देखो, कौन है ये जो लाश घसीट के ले जा रहा है? पता नहीं सर, मैं तो बस हैरान हूं कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया सर। सर ऐसे कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री में देखे थे। लॉन्ड्री रूम कहाँ है? गाल पे ये गहरा घाव, पेट भी बुरी तरह से काट दिया गया। एक झटके में खत्म कर दिया बेचारी को। खून कितना बड़ा है सर, रितिका को मारा और फिर यहाँ लाकर छुपा दिया, किसी ने देखा कैसे नहीं? खून का एक छींटा तक नहीं रखा, सब साफ। किसी ने कुछ नहीं देखा? किसी ने कुछ भी नहीं देखा? एक लाश को घसीट कर यहाँ लाया गया और होटल में से किसी ने भी नहीं देखा, ये कैसे हो सकता है बताओ? ये लॉन्ड्री में काम कब तक चलता रहता है? सर ये हिल स्टेशन का होटल है तो यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं और स्टाफ लाश बस लेके अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में बस कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं सर। रितिका कौन से कमरे में ठहरी थी? रूम नंबर 205। कमरे का व्यू बहुत अच्छा है सर। ये तो पूरे एक साल की पैकिंग करके आई है। सारा सामान कमरे में कौन लेकर आया था? सर अमोल ने, वो हमारे होटल का बेल बॉय है। अमोल, वो बायोस्कोप चलाने का भी शौक रखता है और सामान भी कमरे में पहुंचाता है। अच्छा ये कमरे में सामान इतना ही था, कुछ और भी था? सर मुझे तो पता नहीं, मैं लेट आया था। मंजरी मैम को मालूम होगा सर, वो यहाँ की मैनेजर है, वो उस टाइम ड्यूटी पे थी। कहाँ है मंजरी मैडम? सर इस वक्त वो ऑफ ड्यूटी हैं, रात को आएंगे। यस सर। इसमें तो रितिका मैडम की ज्वेलरीज थी। ज्वेलरी? इसमें तो सिर्फ मेकअप का सामान है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं खूनी ज्वेलरी लेकर भाग तो नहीं गया? जेवर लेकर निकल गया और जाते जाते रितिका का खून करके गया सर। और इस सब का किसी ने रिकॉर्डिंग भी कर लिया। बहुत बड़ी गड़बड़ है दया, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर एक मिनट, किचन चॉपर सर। सर ये तो मेरा चॉपर है सर। हमारा चॉपर यहाँ कैसे? सर पता नहीं, सुबह में किचन से गायब हो गया था सर। लगता है खूनी ने इसी चॉपर से रितिका का खून कर दिया। बताओ यहाँ कैसे आया ये चॉपर, बताओ जल्दी। सर मैंने रंजीत से पूछा था इसके बारे में सर, सर तो उसने बोला कि ये रघु के पास है।
सर मैंने लोगों से पूछा तो उसके पास नहीं था सर। सर और अभी अभी यहाँ मिल रहे सर। कौन है ये रंजीत? सर हमारे होटल का शेफ है सर। कहाँ होगा इस वक्त? पता नहीं सर। बड़ा अजीब होटल है ये, यहाँ के लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। आखिरी बार कहाँ देखा था रंजीत को? सर सर किचन में ही देखा था सर। रंजीत के अलावा और भी कोई शेफ था? नहीं सर, एक्चुअली इस किचन का सारा काम मैं और रंजीत ही मिलकर देखते थे सर। और वैसे भी 150-200 लोगों का खाना तो मैं घंटे भर में बना सकता हूँ सर। सर। हाँ फ्रेडी। एप्रन। एप्रन? और कुछ? रंजीत। तो फिर ये खून जरूर रंजीत ने ही किया है और भाग गया यहां से वो। लेकिन सर भागा तो अमोल भी है। हो सकता है ये अमोल और रंजीत दोनों मिले हुए हो। रेडी क्या हुआ? जेवर देख सर, लगता है ये रंजीत ने पहले रितिका को मारा और फिर उसकी लाश को लॉन्ड्री में छुपा दिया और फिर जल्दबाजी में भागने के चक्कर में ये जेवर यहाँ छुपा के रख दिए, भाग गया। रंजीत का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर। उनकी क्या पता चला? वही टिपिकल तरीका बॉस, एक ही झटके में खेल खत्म। ये बताने के लिए फोन किया था? नहीं, ये बताने के लिए फोन किया था कि खूनी एक नहीं दो है। क्या दो दो खूनी? हाँ। ये तुझे कैसे पता चला कि खूनी दो है? बॉस हथियार दो है तो मतलब खूनी भी दो ही है। तेरे कहने का मतलब है कि उसके गाल पर जो घाव है और पेट पर जो घाव है वो दो अलग अलग हथियारों से हुए? हाँ। सर ये गाल के घाव की चमड़ी टेढ़ी मेढ़ी कटी हुई है, इसका मतलब बात साफ है कि हथियार दांत वाला था। मतलब ये कि इसके गाल पर जो घाव है वो इस चॉपर से नहीं हुआ, किसी और ही हथियार से। मतलब वहां पर दो लोग थे दया और दोनों के पास अलग अलग हथियार है ना? एक ने गाल पे वार किया और दूसरे ने पेट पे। हाँ, मगर दोनों आदमी एक साथ नहीं आए। एक साथ नहीं थे मतलब? बस पहले किसी आदमी ने इसके गाल पर वार किया, उस वार की वजह से ये लड़खड़ाई, डिसबैलेंस हुई, दीवार से टकराई, इसके सर पर चोट लगी और ये बेहोश होके गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में किसी दूसरे आदमी ने इसकी पेट पर वार किया जिससे इसकी मौत हुई। आप क्या बोल रहे सालू के साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आएगा भी नहीं फ्रेंड। डीऑक्सीडेशन का नाम सुना है? हाँ। नहीं। मालूम था। देखो शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के अभाव की वजह से खून में जो हीमोग्लोबिन होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से खून का रंग काला पड़ने लगता है। इसके गाल पर जो घाव है उसका खून ज्यादा काला है बजाय इसके पेट के घाव के खून से, और इन दोनों वार के बीच का डिफरेंस है 30 से 40 मिनट। चोर चोरी करके भागता है, उसके 30-40 मिनट बाद असली खूनी आता है और वो इस चॉपर से रितिका को मारता है। सरंखे, इस बड़े छुरे पर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले? हाँ सर, काफी सारे मिले, लेकिन उनको इन रंजीत के कपड़ों से मैच करके देखना पड़ेगा कि वो रंजीत के ही है कि नहीं। तो फिर चेक करो, वो जरूर रंजीत के ही होंगे,
सारे सबूत इस रंजीत के खिलाफ है। सर, रंजीत का पता चल गया। तो फिर देर किस बात की दया, उठाओ इस रंजीत को। सर इस तरफ। रुक जाने तो भेजा उड़ा दूंगा। सर ये रंजीत का फोन है, इसलिए हम रंजीत की बजाय अमोल के पास आ गए। रंजीत का फोन और तू उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। क्यों, होटल से क्यों भागे थे? सर कल रात में डर गया था सर, मैं रितिका मैम के रूम में उनका खून करने गया था। मैं वहां पे गया, मैंने देखा दरवाजा पहले से ही खुला था। वहां पे सर रंजीत था। जिस पल से मैंने आपको होटल में आते हुए देखा ना, मैं उसी पल से मौके की तलाश में था कि मैं आपसे कब मिलूं और अपने प्यार का इजहार करूं। तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपको याद नहीं है, मैं वहां पे बुशतबा होटल में काम करता था। आप वहां पर एक बार आई थी और आपने मेरे हाथ के बने हुए खाने की तारीफ भी की थी। तब से लेकर मैं अब तक आपका आशिक हूं। What rubbish! मैं ये कौन से स्टूपिड होटल में आ गई हूं जहां हर कोई मेरा मजनू बना फिर रहा है। लीव, आई सेड लीव, आई सेड गेट आउट। अभी तक ये नहीं बताया हमें कि रंजीत का फोन तुम्हारे पास आया कहां से? यही बताओगे या घुमा के लाऊं? बताता हूं सर। सर उस रात रंजीत का फोन मुझे किसने छुपाने के लिए कहा था? ए! रुक जा, रुक जाने तो गोली मार दूंगा। छोड़ो इसे। आइए मैनेजर मंजीरी जी, इतने जल्दी में कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं, तो फिर इसे किसने बांध के रखा? मैंने इसे आप लोगों के लिए बांध के रखा हुआ है। तो ऑफ ड्यूटी होकर आप ये काम करती है? सर मैंने इसे इसलिए बांध के रखा है ताकि आप इसे सच उगलवा सके। सच उगलवाने के लिए? तो फिर बताओ रंजीत जी, क्या है सच? मुझे नहीं पता सर। रितिका को मारते हो, उसके जेवर चुरा कर कहीं छुपा दिए और खून होने की रिकॉर्डिंग करते हो है? और वो रिकॉर्डिंग बायोस्कोप में भी डाल देते हो। सर झूठ है सर। ये तुम्हारा ही फोन है ना, इसी में रितिका के खून की रिकॉर्डिंग की थी क्यों? मैंने खून नहीं किया सर, अगर मेरे को खून करना होता सर मैं इतना बड़ा तमाशा थोड़ी ना बनाता। अतारिका, मैंने कहा था ना इस रंजीत की उंगलियों के निशान मिलेंगे उस बड़े छुरे पर, और क्या मिला? हाँ सर, रितिका के पेट के घाव पे एक जानवर का बाल मिला, कुत्ते का बाल सर। ठीक है। तारिका बता रही थी कि रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें कुत्ते के बाल मिले। कुत्ते के बाल? हाँ। लेकिन सर रितिका होटल में तो कुत्ता लेकर नहीं आई थी। सर कहीं खूनी के कुत्ते का बाल तो नहीं? बिल्कुल हो सकता, पर खूनी कौन हो सकता है?
सर, शक के दायरे में तो चारों अभी भी है। एक तो ये मैनेजर मंजरी, जो ऑफ ड्यूटी पे होने के बाद भी किसी काम पे लगी हुई थी, और एक वो असिस्टेंट मैनेजर सुशांत, जो ऑन ड्यूटी होने के बावजूद उसे ये नहीं मालूम कि वहां पे हो क्या रहा है। बचे दो, रंजीत और अमोल। देख, खूनी तो इन चारों में से ही कोई एक है, या तो ये मंजरी है, या फिर ये रंजीत, या फिर सुशांत, या फिर अमोल। चारों को इकट्ठा करो और होटल का सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करते हैं। सुशांत, रंजीत, अमोल, मंजीरी, चारों तैयार हो कहानी सुनने के लिए? रितिका की मौत की कहानी। मंजीरी, उस रात मंजीरी रितिका के कमरे में जाती है उससे मिलने के लिए। उस वक्त रितिका और मंजीरी की बहस हो जाती है। क्यों बहस होती है? क्योंकि रितिका ने मंजीरी के चेहरे को और बहस के दौरान मंजीरी रितिका के चेहरे पर गहरा वार कर देती है अपने खंजर से। रितिका को गिरते देख मंजरी को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हो गई थी। मंजरी घबरा गई कि लाश के साथ क्या करें। घबराई हुई मंजरी कमरे से बाहर आकर किसे बुलाती है? हा? हम बताते हैं, वो अमोल को बुलाती है ताकि अमोल रितिका की बॉडी को कहीं छुपा सके। और अमोल तो क्या, पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, अपनी मां बाप को भी बेच सकता है, क्यों है ना? और जब मंजरी अमोल को बुलाने के लिए गई तब वहां पर कोई और भी आया था, रंजीत। रंजीत वहां रितिका का खून करने के लिए आया था इस चॉपर से। मंजरी अमोल को पैसे देके वहां से चली जाती है और अमोल लग जाता है लाश को ठिकाने लगाने में। और ये सब रंजीत कबर्ड के अंदर बैठ के अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है।
जब अमोद रितिका की बॉडी को ठिकाने लगाने ले जा रहा था तब उसकी नजर पड़ी रितिका के गले में जो गहने थे। नीयत बिगड़ गई, लूट लिया गहनों को। जैसे अमोल गहने छुपाने चला गया, कुछ देर बाद वहां कोई और आ गया और उसी वक्त रितिका भी होश में आने लगी थी। अमोल के जाने के बाद वहां पर जो भी आदमी आया था उसने वहां गिरा हुआ छुरा उठाया, वो छुरा जो तुम लेकर आए थे। छुरे से उसने एक ही वार कर दिया रितिका के पेट पर और बेचारी रितिका मर गई। और ये सब होने से पहले रंजीत वहां से जा चुका था, इसलिए ये हिस्सा उसके फोन के रिकॉर्डिंग में नहीं है। वहां से जाने के बाद रंजीत ने उस वीडियो को बायोस्कोप के फिल्म के साथ जोड़ दिया ताकि सीआईडी को पता चल जाए मामला गर्मा है और किसी तरह से इस अमोल को ब्लैकमेल करके पैसे हट सके। फिर पासा पलट गया, इन दोनों ने मिलके इसे किडनैप कर लिया। और वहां जब अमोल ने उस जेवर को आटे के बोरी में छुपा के जो वापस आया, उसने रितिका की लाश को देखे बिना ही वहां से घसीटते हुए लॉन्ड्री तक ले गया और वहां पे उसे ठिकाने लगा लिया। अब सवाल ये उठता है कि है कौन ये चौथा आदमी जिसने रितिका पर जानलेवा वार किया? कौन था वो चौथा? रितिका के पेट पर जो घाव है उसमें से मिला है एक जानवर का बाल, एक कुत्ते का बाल। मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं। सर, मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है। चुप! डरती हो या प्यार करती हो, ये तो होटल के सीसीटीवी कैमरा के इस फोटो से पता चल ही जाएगा। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? सर मैं क्या करता? सर उसने मुझे पागल कर दिया था। मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। बस मैंने सोचा कि उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप कर दो। तुमने तो उसे चुप कर ही दिया पर खुद फांसी के फंदे पर पहुंच गए सुशांत। और तुम तीनों रंजीत, अमोल और मंजिरी, तुमने भी गुनाह किया है, तुम भी गुनहगार हो और तुम्हें भी कड़ी से कड़ी सजा होगी।